नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी आपको बताएंगे कि मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस बिग ब्रेकिंग के बारे में तो जानेंगे, लेकिन इस बीच चीन से भारत को करना होगा मुकाबला। एस जयशंकर विदेश मंत्री का अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। दरअसल बातचीत फेल होती नजर आ रही है, तो वहीं इसराइल का भारत के नाम दोस्ती का पैगाम। बोले तेरा जैसा यार कहाँ। जी फ्रेंडशिप डे पर इसराइल ने भारत को भेजा दोस्ती का खत। तो वहीं इस बीच बड़ी खबर अयोध्या में दिखेगी गंगा जमनी तहजीब, भूमि पूजन के लिए सुन्नी वक्त बोर्ड को भी न्योता दिया गया। इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इस बीच अच्छी खबर, अमिताभ बच्चन कोरोना नेगेटिव पाए गए। जी कोरोना नेगेटिव आई उनकी रिपोर्ट, यानी वो स्वस्थ हो चुके हैं और नानावती हॉस्पिटल से भी छुट्टी हो चुकी है उनकी। इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इस बीच नेपाल झुकता हुआ नजर आ रहा। दरअसल नेपाल में भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण पर फिर से रोक हटा दी गई है, यानी प्रसारण शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस का दावा, ताहिर हुसैन ने हिंदुओं को सबक सिखाने की रची थी दंगे की साजिश, बहुत बड़ा खुलासा। तो सब कुछ खबर जाने के, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में न केवल कोरोना बल्कि देश के दुश्मनों को चीन हो या फिर पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 17 लाख के आंकड़े पार कर गया। आपको बता दें कि फिलहाल 17,57,393 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 37,000 के आंकड़े पार कर गई। आपको बता दें कि 37,452 कन्फर्म केसेज मृतकों के हो चुके हैं। वर्तमान में अच्छी खबर यह कि 11,49,000 करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं, तो वहीं 5,70,000 अभी वर्तमान में कन्फर्म केसेज हैं। तो ये COVID-19 के आंकड़े। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, डॉक्टर की सलाह पर मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती। जी हाँ आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर की सलाह पर मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने खुद भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट जाँच करवाया था, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया है कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। उन्होंने अनुरोध करते हुए लिखा है कि हाल ही में दिनों में लोग भी उनके संपर्क में आए, कृपया करके खुद को आइसोलेट करके जांच करा लें। तो गृहमंत्री अमित शाह ने स्वयं ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल गृहमंत्री शाह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि CAA और NRC को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग ज़रूर खुश हो सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि चीन से भारत को करना होगा मुकाबला। एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ, लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ चल रही टेंशन के बीच भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार ही रहना होगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्री का यह बयान चीन के साथ पांचवें दौर के साथ बातचीत से पहले आया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है कि उनसे बातचीत पर आधारित है। अखबार से बातचीत के क्रम में चीन के मुद्दे पर जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ संतुलन तक पहुंचना आसान नहीं है, भारत को उनका विरोध करना ही पड़ेगा, यही नहीं मुकाबले के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये बातें उस समय आई है जब लगातार एक दो जो बैठकें हैं वो विफल हो चुकी हैं, यानी बात का जो रास्ता है वो चीन से दिखता नहीं दिख रहा है, और इसी को लेकर ये बड़ा बयान आया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि फ्रेंडशिप डे पर इसराइल ने भारत को बताया सच्चा दोस्त, बताया तेरा जैसा यार कहाँ गाने के माध्यम से दोस्ती का पैगाम। दरअसल इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की गहरी दोस्ती तो जग जाहिर है। भारत में स्थित इसराइल के दूतावास ने बॉलीवुड अंदाज में फ्रेंडशिप डे का विश किया। इसराइल दूतावास के हैंडल में बॉलीवुड फिल्म के फेमस दोस्ती गीत तेरे जैसा यार कहाँ की धुन पर दोनों देशों को दोस्ताना संबंध दिखाए गए हैं। वहीं अमेरिकी दूतावास ने भी भारत को फ्रेंडशिप की बधाई दी है। आपको बता दें कि इसराइल दूतावास ने फ्रेंडशिप डे पर जो वीडियो शेयर की है उनमें दोनों नेताओं के मुलाकातों की झलकियां दिखाई गई हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ एक साथ लड़ने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है। और कहीं ना कहीं अच्छी अगर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत को अच्छा दोस्त बताया है, और वहीं इसराइल ने भी भारत को एक अच्छा दोस्त बनाया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। इस बार अयोध्या में दिखेगी गंगा जमुनी तहजीब, भूमि पूजन के लिए सुन्नी वक्त बोर्ड को भी दिया गया न्योता।
अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन ही नहीं होगा बल्कि सौहार्द मंच भी सजेगा। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी, अयोध्या के समाज सेवी पदम श्री मोहम्मद शरीफ, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी आमंत्रित लोगों की सूची में शामिल है। आपको बता दें कि इकबाल अंसारी के पिता हातिम अंसारी न सिर्फ बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार थे बल्कि राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे। रामचंद्र परमहंस के करीबी दोस्त भी थे। ये दोनों के बीच दोस्ती भी ऐसी थी कि मुकदमा लड़ने भी साथ जाया करते थे। वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्त बोर्ड से तो मस्जिद के पक्ष में शुरुआत से ही था और राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ा जा रहा था। बावजूद इसके सुन्नी सेंट्रल वक्त बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी की राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अतिथियों की सूची में शामिल किया गया। वहीं अयोध्या के समाज सेवी और लावारिस लासो के मसीहा कहे जाने वाले मोहम्मद शरीक खिड़की अली बेग रहते हैं। इसको केंद्र सरकार ने 2020 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया था। मोहम्मद शरीफ अब तक 5,000 से अधिक लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार कर चुके हैं और इसी की वजह से इनको भी न्योता दिया गया। तो अच्छी खबर है, ऐसे लोग ठीक हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। दरअसल अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, एक अच्छी खबर है। एक्टर को अब हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई और वे जल्द अपने घर पहुंच जाएंगे। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके सोशल मीडिया में इस बात की जानकारी। आपको बता दें कि नानावटी हॉस्पिटल में पिछले 12 जुलाई के बाद से ही अमिताभ बच्चन भर्ती थे और आपको बता दें कि कोविड-19 आने के बाद अभी भी अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव अभी भी हैं उनका। हालांकि जल्द ही वो भी स्वस्थ होने वाले हैं। और इस बीच आपको बता दें शिवराज सिंह भी जल्द ही स्वस्थ होने वाले हैं, जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही। कल तक उनको भी कहीं ना कहीं डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। नेपाल ने भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण पर रोक हटा दी, फिर शुरू होगा प्रसारण। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में तनाव अभी भी बरकरार है। हालांकि नेपाल में भारतीय चैनलों पर लगे प्रतिबंध हटाना शुरू कर दिया। रविवार को नेपाल में हिस होम के प्रबंधक निर्देशक सुदीप आचार्य ने बताया है कि उन्होंने सभी भारतीय न्यूज चैनलों को फिर से चालू करना शुरू कर दिया। इसमें भी जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज भी शामिल है। यानी मेन स्ट्रीम जितने भी मीडिया हैं उन सबको नेपाल में फिर से चालू करने का ऐलान कर दिया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली वायलेंस, दिल्ली पुलिस का दावा, ताहिर हुसैन ने हिंदुओं को सबक सिखाने की रची थी दंगे की साजिश। जी हाँ, दरअसल आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है और वो दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड भी है। इसके साथ ही उसने बताया है कि जब मैं 2017 में आम आदमी पार्टी का पार्षद बना तब से ही मेरे मन में था कि मैं अब राजनीति और पैसों की बदौलत हिंदुओं को सबक सिखा सकूं। सरकारी कबूलनामे के मुताबिक ताहिर हुसैन को इस काम में खालिद सैफी और PFI का पूरा साथ भी मिला। ताहिर हुसैन ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में यह बड़ा कबूलनामा किया। उन्होंने कहा कि मेरे जानकार खालिद सैफी ने कहा है कि तुम्हारे पास राजनीतिक पावर और पैसा दोनों है जिसका इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ और कौम के लिए करेंगे, मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। उसने बताया कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद खालिद सैफी मेरे पास आया। उसने बोला कि इस बार अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इसी बीच राम मंदिर के फैसले के साथ CAA कानून भी आ गया। अब मुझे लगा कि पानी सर से ऊपर हो चुका है तो अभी कदम उठाना ही पड़ेगा और इसी को लेकर एक हिंसा की साजिश रची गई। तो यह अब तक का बड़ा खुलासा हुआ है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लेंगे आडवाणी और जोशी। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में अलख जगाने वाले व आंदोलन के दौरान कई बार जेल जा चुके बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ट्रस्ट ने शनिवार को फोन करके कार्यक्रम में हिस्सा लेने का न्योता दिया है। हालांकि दोनों ही वरिष्ठ नेताओं ने भूमि पूजन समारोह में अयोध्या नहीं जाएंगे। खबर है कि दोनों नेता 5 अगस्त को होने वाले इस विशाल कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम 5 अगस्त को होना है। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। भूमि पूजन को लेकर अभी से अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की CBI की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई थी। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी के कई सवाल पूछे गए थे। इस दौरान उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए उन आरोपों से उन्होंने इनकार किया है। तो अपने आप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, हालांकि अभी तक कुछ लोगों को ये भी सोशल मीडिया पर उड़ा रहे हैं कि इनको न्योता भी नहीं मिला है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी से एक दुखद खबर निकल के आ रही है। कैबिनेट मंत्री कमला रानी की कोरोना से मौत, प्रदेश में एक दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया गया।
यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का रविवार को एसपीजीआई में निधन हो गया। उन्होंने सुबह करीब 9:30 बजे अंतिम सांस ली। कोरोना के चपेट में आने के बाद 18 जुलाई को उन्हें एसपीजीआई में भर्ती कराया गया था। कमल रानी की मौत की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरा निरस्त कर दिया। सरकार ने एक दिन का राजकीय अवकाश भी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि एसपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमान ने बताया है कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण के इलाज में लगी टीम ने निरंतर प्रयास किया, लेकिन फेफड़ों का संक्रमण बढ़ता गया, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर भी अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से उनकी दुखद मौत हो गई। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि केंद्र का राज्यों को निर्देश, कोविड-19 मरीजों को दे फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा है कि हॉस्पिटल में भर्ती कोविड-19 के मरीजों के स्मार्टफोन और टैबलेट इस्तेमाल करने की अनुमति होनी चाहिए। केंद्र ने कहा है कि इससे वो अपने परिजनों और मित्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर पाएंगे और उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से मदद मिलेगी। यानी जो एक तरीके से ना बिना मोबाइल की वजह से जो उलझन होती है वो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं खत्म हो सके। ये पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिवों को लिखा हुआ, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल ने की महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग, कहा नेताओं को बंदी बनाना लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त करने जैसा होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोरोना काल में जिस तरीके से भारत चीन के बीच जारी तनाव को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता महबूबा मुफ्ती की रिहाई की भी मांग की। राहुल ने ट्वीट किया कि भारत का लोकतंत्र उस समय क्षतिग्रस्त हो गया जब भारत सरकार ने गैर कानूनी रूप से राजनीतिक नेताओं को बंदी बनाया। ये सही समय है जब महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी 3 महीने के लिए उन्हें बढ़ा दिया गया है कस्टडी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही 3 महीने के लिए उन्हें अंदर फिर से नज़र मनी हिरासत में लिए जाने की बात की। दरअसल आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती लगातार जम्मू कश्मीर को एक तरफ जलाने की बात कर रही हैं, तो राहुल गांधी उनको रिहा करने की मांग कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं क्या कुछ बातें हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि भगवान राम के ननिहाल को संवारेगी बघेल सरकार, 16 करोड़ से हो गया कौशल्या मंदिर का विकास। दरअसल भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी का सौंदर्य अब पौराणिक कथाओं के नगरों जैसा ही आकर्षण होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निकट स्थित इस गांव के प्राचीन कौशल्या मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए पूरे परिसर के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी राम वन गमन पथ विकास परियोजना में शामिल चंदखुरी में ये पूरा कार्य 15,75,00,000 रुपये की लागत से होगा। योजना के मुताबिक चंदमुरी में मंदिर के सौंदर्यीकरण तथा परिसर विकास का कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 6,70,00,000 रुपये तो वहीं दूसरे चरण में 9 करोड़ रुपये लगने वाला है। तो हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीएम शिवराज ने कसी कमर, 15 अगस्त तक बनाया जाएगा नया रोड मैप। आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने और प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर अमल के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश में आत्मनिर्भर योजना का खाका तैयार करने के सरकार में 4 सीनियर IAS अफसर को जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को 15 अगस्त तक रोड मैप तैयार करने को कहा है। सुशासन, अर्थव्यवस्था, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसका रोड मैप तैयार किया गया और इस पर तेजी के साथ अमल किया जाना शुरू कर दिया गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग अपडेट निकल के आ रही है जहां पर बिहार पुलिस का नया खुलासा, सुशांत जो सिम कार्ड यूज कर रहा था वो उसके नाम पर ही नहीं था, खंगाले गए डिटेल में बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि सुशांत सिंह डेथ केस में बिहार पुलिस ने एक नया खुलासा किया। बिहार पुलिस के मुताबिक कई दिनों से सुशांत मोबाइल में जिस सिम का यूज कर रहे थे उनके नाम पर नहीं था। पुलिस के मुताबिक उनमें से एक सिम कार्ड उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर ही था। पुलिस ने बताया है कि अब हमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR ट्रैक कर रहे हैं। वहीं बिहार पुलिस सुशांत की मौत से पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के परिवार से भी पूछताछ की, जिसके बाद दिशा के परिजनों से पूछताछ के लिए बिहार पुलिस ने कई बार फ़ोन किया है, लेकिन आपको बता दें कि अभी संपर्क नहीं हो पाया, यानी अभी पूछताछ नहीं हुई। लेकिन पूछताछ करने की ये बड़ी खबर निकल के आ रही, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिशा की मौत और सुशांत की मौत का कुछ न कुछ जरूर कनेक्शन हो सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें दोस्तों 1 करोड़
78 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। 1,78,60,000 करीब संक्रमितों के आंकड़े हो चुके हैं। तो मृतकों की संख्या 6,85,000 को पार कर गई, 6,85,180 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,78,00,000 के करीब संक्रमित हो चुके हैं। ये दुनिया भर के COVID-19 के आंकड़े। तो दोस्तों बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।